है कि जनाब फासिज्म और इनार्किज्म में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? दोनों पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, एंटागनिस्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जनाब ये दोनों आइडियोलॉजीज़ जो हैं, इन दोनों के फॉलोअर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं। फासिज्म के जो फॉलोअर्स हैं उसको हम कहते हैं फासिस्ट। फासिस्ट आपने लव सुना होगा, जो फासिज्म को फॉलो करते हैं या फासिज्म को आइडियोलॉजी को लव करते हैं या इसको एडमायर करते हैं, इनके फॉलोअर्स को हम क्या कहते हैं, फासिस्ट। और जो एनार्किज्म को फॉलो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनार्किस्ट। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्यों हैं? फासिज्म और एनार्किज्म ह्यूमन नेचर के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं? दोनों की ह्यूमन नेचर के बारे में एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है। ठीक है, फासिज्म जो है वो ह्यूमन नेचर के बारे में पैसिमिस्ट जो है ना वो अप्रोच रखता है। पैसिमिस्ट मतलब ह्यूमन नेचर के बारे में उसकी एक नेगेटिव अप्रोच है। ठीक है, ह्यूमन नेचर के बारे में फासिज्म जो है वो ये कहता है कि जनाब ह्यूमंस जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं या फिर नेव हैं। ठीक है, या बिल्कुल जो है ना वो मिस मैनेजर्स हैं। ठीक है, एक बकरियों के रेवड़ की तरह हैं। ठीक है, अब इसकी जो पेसिमिस्ट अप्रोच है वो हमें बिल्कुल जो है ना वो सही से नज़र आती है कि ह्यूमन नेचर के बारे में कुछ अच्छे ख्यालात नहीं है किसी भी फासिस्ट रूलर के या फासिस्ट फॉलोअर के। ह्यूमंस के बारे में या ह्यूमन बींग्स के बारे में उसके अच्छे ख्याल नहीं, वो कहता है कि जनाब बेवकूफ़ हैं लोग, फुलिश हैं, अनऑर्गेनाइज हैं, अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते, दे कांट गवर्न देमसेल्व्स। उनको गवर्न करने के लिए एक अच्छे रूलर की ज़रूरत है, एक वाइज रूलर की ज़रूरत है, एक डेस्पोट की ज़रूरत है, एक टायरेंट की ज़रूरत है। ये फासिस्ट की आइडियोलॉजी है किसके बारे में जनाब, ह्यूमन नेचर के बारे में। इसके बरक्स जनाब एनार्किस्ट जो हैं वो ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहते हैं ये भी देख लें। एनार्किस्ट जो हैं वो बिल्कुल एंटागनिस्ट हैं या अपोजिट हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब ह्यूमन जो हैं, ह्यूमन बींग्स वो बिल्कुल जो है ना वो वाइज हैं, उनके पास पोटेंशियल है, टैलेंटेड है। ठीक है, पोटेंशियल क्या है कि ये इसको स्टेट की ज़रूरत नहीं है, स्टेट की ज़रूरत नहीं है, नो नीड। ठीक है, ये अपने आप को गवर्न कर सकते हैं, कैन गवर्न देमसेल्व्स। ठीक है, ह्यूमन नेचर के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं जनाब, ऑप्टिमिस्टिक ख्यालात हैं। उसके पेसिमिस्टिक ख्यालात हैं, नेगेटिव ख्यालात हैं, इसके ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव, इसके बिल्कुल पॉजिटिव है। जो मतलब एनार्किज्म के फॉलोअर्स हैं वो ह्यूमन बींग्स को लाइनाइज करते हैं, ह्यूमन नेचर को डिफरेंट तरीके से जो है ना वो देखते हैं। ह्यूमन नेचर अच्छी होती है, एल्ट्रुइस्टिक होती है और इनके पास टैलेंट होता है अपने आप को गवर्न करने के लिए। ठीक है जनाब।